रेडी हो चुकी है हिमालयन, पैकिंग पूरी हो चुकी है और हम भी रेडी हो चुके हैं। उस्ताद जी ने मूछों का ताव दे दिया है। ठीक है माँ, टाटा, ओके जी। और कैसे लग रहे हैं आपको मिरर में दिखा दें। तो चलिए अब चलते हैं हिमालयन पे शिमला। ठीक है पापा जी, ठीक है मम्मी, ओके माँ, ठीक है जी। सुबह के बज चुके हैं 6:30 होने वाले हैं अभी। आ जाओ भैया आ जाओ। तो मेरे ख्याल से 700 में हो जाएगी, इसमें है वैसे थोड़ा, देख लो जितने में हो जाएगी। ताली इधर भी कैमरा, उधर दिखा, जीरो पे दिखाओ। हाँ। और भाई को दिखाओ, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश नाम है भाई का। 660 में फुल हो गई, मतलब पहले भी था इसमें तेल। जैकेट के नीचे जो आपकी बाइक की किट है, नॉर्मल टी शर्ट पहनी, मैं सब पतली पहन लेते कॉटन की। नहा गया मैं तो सुपर ड्राई, सुपर मतलब ड्राई पहने, जो ड्राई फिट आती है आपकी नाइक की, सुपर ड्राई की, मतलब जिसकी भी आती हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, न्यू बैलेंस है, एडिडास, किसी की भी, और भी कोई कंपनी आती है, स्विफ्ट, नरेस, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, तो वो पहने। ये तो नला देगी भाई, वो तो नहा के गलती होगी मेरे से, पहली बार पहनी थी मुझे पता नहीं था, नहा चुका हूँ मैं तो। वॉच वाटर प्रूफ, वॉच आपकी वाटर प्रूफ है, मुझे पता लग गया, पता कैसे? बिना पानी के, क्योंकि पसीने से नहा चुकी है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई। तो ड्राई टी शर्ट पहने, अभी दिखाता हूँ कमाल। पसीना है, हाथ पे पान दे रही, स्पोर्ट्स की जो ड्राई टी शर्ट आती है जब आप जैकेट पहने, मैंने गलती से पहन ली, इसलिए मैं नहा गया पसीने में, देखा नहीं। आप इच्छा होगी तो ले भी जा सकते हैं, तो मेरे अच्छा कैमरे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, कमाल है यार, ग्रेट। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अवधनाथ पांडे जी। ड्यूटी करते हैं तो शान के साथ, नहीं तो कह रहे कोई फायदा नहीं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हेलो फ्रेंड्स, कॉफी पी लो, हम ड्रिंक कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। बाइक राइड के बाद कॉफी का मजा ही अलग है। तो कर लिया ब्रेकफास्ट, अब चल रहे हैं अपनी राइड पे।
भी घूमा बजरंग वली की जय। बजरंग वली मिल गए, बजरंग वली हमें रास्ते में। हम बजरंग वली के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा बनाना बाबूजी, बस मजा आ जाए पीते ही। चलो मतलब ऐसा बना दो तन पे लगे, बॉडी पे। वो मूवी देखी आपने, वो क्या रंगीला में कह रहा भाई खाने का कुछ भी लिया, अपने पास बहुत माल है, कह रहा ऐसा कुछ लेके आ जो तन पे लगे, तन पे। तो अपने को भी कुछ ऐसा पीना है जो तन पे लगे। भाई देखो ना, तो मैं मैकडी पे रुका क्योंकि बाइक राइड करनी है, ब्लॉग शूट करने है, लेकिन फिट रहना बहुत ज़रूरी है, वो मेरा पैशन है। और पैशन के आगे कुछ भी नहीं है। फिर मैं चाहता हूँ कि आप सब भी फिट रहें, अच्छा खाएं। एक दिन गंदा खा सकते हैं, चीट में जिसे बोलते हैं, सिर्फ एक दिन, वीक में एक दिन, कहीं छः दिन बोले एक दिन बस। तो भाऊ जी अभी बना रहे हैं जूस पपीते का, पपीता रेडी है। बहुत फेमस ट्रेन है ना वो, सब जगह ये है, यही है जी। अच्छा ये ट्रेन है वो, हाँ ये तो पहुंच गए अब शिमला, और 12.5 घंटे लगे क्योंकि पीछे बहुत तेज़ बारिश थी और फिर यहाँ पे फॉग ज़्यादा थी। अब पहले होटल बाद में ढूंढने के, पहले खाना खा लेते हैं। तो एक ढाबा मिला, रेस्टोरेंट है, नाम तो मुझे पता नहीं, मैं तो अंदर घुस गया सीधा, मेन्यू रखा है, मिलाप ढाबा मिला है। तो मिलाप ढाबा पे खा लेते हैं खाना, उसके बाद देखेंगे होटल। पहले पेट पूजा, बाद में काम पूजा, क्योंकि थक चुके हैं। सोचा था वर्कआउट करूंगा, लेकिन मॉर्निंग में करेंगे वर्कआउट। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? तो राइड कंप्लीट हो गई, शिमला आ गए। अब जो आपका नया व्लॉग है ये शूट करेंगे, चलिए पूरा शिमला घूमेंगे। बाइक गंदी हो गई ना, तो गंदी बाइक अच्छी नहीं लगती। पानी चला गया लाइट में। हाय, तो आप शिमला घूम रहे हैं और शिमला का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो एक जगह मिली और एक अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए ऊपर जा रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं, यहाँ तो बाबा जी मिल गए। बाबा जी से पूछ रहे हैं अपने कुछ भाग्य के बारे में। जाओ बाबा जी की, क्या नाम बाबा जी आपका? वीरा है। वीरा वीरा, जय हो वीरा की। और बाबा जी ठीक है, हाथ पर देखते हो कुछ बताएंगे?
नहीं उन्हें कुछ बोलते भी तो जो वहाँ सोते हैं शमशान घाट में, गोरी बाबा वो कहाँ मिलेंगे? वो कब्रस्तानों में मिलते हैं। तो यहाँ मिलेंगे, मेरे को मिलवाओ ना यार उनसे। इधर के तो है नहीं, चंडीगढ़ में वो। यहाँ नहीं है? नहीं यार, मेरे को बड़ा मिलना यार एक बार ना। क्या नाम उनका, क्या बोलते उन्हें? गोरी बाबा। यार गोरी बाबा से बहुत मिलना है, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान ऐसी जगह पे रहता ना तो जहाँ चोरी होती है, मतलब वहाँ शमशान घाट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ, ना कोई लड़की को छेड़ता है, ना कोई उल्टी सीधी बात होती है, ना कोई काप्स की मना करता है। तो मिलना है, चंडीगढ़ मिलना पड़ेगा बाबा। चंडीगढ़ तो अब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। गैरव को क्या नाम है उनका, क्या बोलते हैं? गोरी बाबा। गोरी बाबा से मिलने शमशान घाट में जाना पड़ेगा भाई। शमशान घाट में मिलेंगे बाबा जी। तो अब चंडीगढ़, यहाँ से चंडीगढ़ की बाइक लगा देंगे, मतलब है पक्का मिलेगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कब्रस्तान में होता है, जहाँ मूर्त घाट होता है। अच्छा, उसमें मिलते हैं। जब मैं मर जाऊंगा जब आएंगे गौरव बाबा? नहीं आएंगे जब, देखो बाबा सकते देखते हैं, जब हमारे हम मरेंगे तो गौरव बाबा, क्या नाम है उनका? गोरी बाबा। गोरी बाबा आएंगे या नहीं आएंगे? देखो अब मैं सीधी सी बात करता हूँ, जिसे बोलते हैं पंगहाल स्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। आपके हाथ पैर ठीक है, आप दिखते अच्छे हैं, आप जॉब नौकरी क्यों नहीं करते? जो किस्मत में लिखा हो तो। किस्मत में तो भाई कुछ नहीं लिखा, किस्मत में रोना लिखा है, सबकी किस्मत में रोना ही लिखा है। किसी से मिल लो, मुझसे, इनसे, अंकल इनसे मिल लो, भाई साहब से। भाई साहब टेंशन है नहीं है लाइफ में, लो ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, आप अच्छे हट्टे खट्टे दिखते हो, मेहनत करो, कमाओ और देश का नाम करो। कुछ नहीं रखा इतना वजन पहनने में, भगवान तो सबके साथ है, मेरे अंदर भी भगवान, तेरे अंदर भी भगवान, वो तो हर जगह है। चलो मिलो, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है बाबा जी, ओके बाय, सी यू। तो बाय बाय तो कर दो, ऐसे वाली नहीं वाली, बाय गाइस। तो अभी आपको दर्शन करवा दिए बाबा जी के, तो बाबा जी को समझाया कि बाबा जी नौकरी वोकरी करो, कुछ अच्छे काम करो, माला को निकालो, भगवान सबके अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मर्जी अपनी अपनी, हम आगे अपने व्यू पे पिक क्लिक करेंगे यहाँ पे अच्छी अच्छी। और वो ट्रेन दिख रही है आपको, उस ट्रेन में घूमेंगे अभी, आपको ट्रेन दिखाएंगे। वो देखिए, वो दिखी ट्रेन, तो अभी इसमें चिक 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 चिक। तो जहां भी जगह मिलती है थोड़ा सा वर्कआउट सा हो जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पुलअप्स, और काफी मजा आया, व्यू भी अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे अब ट्रेन पे। लो जी, थैंक यू जी। तो टिकट ले लिया तारा देवी स्टेशन की, और 45 मिनट्स की राइड है, फिर वहाँ टैक्सी को कॉल करना है, क्योंकि वहाँ आपको ना तो कोई व्हीकल मिलेगा ना टैक्सी मिलेगी। बाइक मैंने खड़ी कर दी यहाँ पे, और 45 मिनट्स राइड करेंगे ट्रेन में, फिर मिलेंगे आपसे ट्रेन में। तो अब आ गए स्टेशन पे, टिकट ले चुका हूँ, अब जा रहे हैं नीचे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्रेन का व्यू दिखा दें यहाँ के शिमला का, और ट्रेन में घूमेंगे 45 मिनट। यहाँ पे इंजन ठीक होते हैं ट्रेनों के, जो जो कमियाँ आ जाती है, वो वर्कशॉप है सामने वहीं पे, ब्रेक शू, उनकी ऑयलिंग। तो शिमला का स्टेशन है, वो सबसे पुरानी ट्रेन अंग्रेजों के टाइम की सिर्फ खड़ी है, उसे यूज नहीं करते। वो दिख रही होगी आपको लास्ट में, क्या व्यू है। शिमला आए तो ट्रेन में ज़रूर घूमें, क्योंकि गाड़ी से आते हैं सिर्फ, गाड़ी रोड पे जाती है आपके होटल में, और आप होटल में लेके कमरा सो जाते हो, और इसलिए ट्रेन में ज़रूर घूमें। अब ये देखो ताऊ कितनी मेहनत कर रहे हो जी, क्या लेके जा रहे हो? चने कुलचे। हाँ जी। कितने रुपए की प्लेट है चने कुलचे की? 20 रुपए की। 20 रुपए की, चलो वैसे मैं खा लेता हूँ, वैसे मैं चीट मील आजकल कर ही रहा हूँ, तो ताऊ जी का भी कुछ हो जाएगा, हम भी कुछ खा लेंगे, खिला दो जी। ठीक है सर, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो खा ही लेते हैं। अब टेस्ट तो खा के पता लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें देखा है, इनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी, बहुत खुश मिजाज इंसान लगे मुझे।
तो भैया ये वीडियो देख लो, जो जो कहते काप्स नहीं खाना, इस वीडियो को देख लो, हिंदुस्तान है भाई ये, यहाँ काप्स चलता है भाई, तो खाए काप्स। खा लो ना ताऊ, खा लो ना काप्स। हाँ खा लो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देख काप्स खाएंगे और बाइसेप्स बन जाएंगे। आए तो आ चुके ट्रेन और ये डब्बे हैं, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई थिंक 9 डब्बे हैं और एक इंजन है, लेकिन कैंसिल कर दिया प्रोग्राम क्योंकि टोटली रिजर्वेशन होती है और एक घंटे का सफ़र, एक घंटा जाना टैक्सी से, तो कैंसिल कर दिया। आपको ट्रेन दिखा देता हूँ, मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि मुझे अभी कुफरी भी जाना है। मैं ट्रेन दिखा देता हूँ, ये ट्रेन है शिमला की, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा इसमें। तो बाय कर दे ट्रेन को, बाय। हंसी वादियों में कोई नहीं, रोड पे डांस चलेगा यार, ये डांस कर रहे हम, डांस इन नेचर विद नेचर। तो आ गए हैं आर्मी म्यूज़ियम है, हेरिटेज आर्मी म्यूज़ियम, और अभी गेट पे आईडी चेक होगी मेरी, मुझे पता है सारी मेरी आईडी। ओके थैंक यू, क्योंकि आईडीज़ तो ज़रूरी है, आप कहीं भी जाएं अपनी आईडीज़ लेके जाएं, लाइसेंस कुछ भी, मतलब आधार कार्ड या कुछ भी आईडी ज़रूर लेके जाएं, कहीं पता लगे सीधा ही शिमला चले गए बिना आईडी के, ना तो रूम मिलेगा ना कहीं एंट्री। तो चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम। तो ये आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में आ चुके हैं, नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो सबसे अच्छा लगा म्यूजियम, सच में बहुत ग्रीनरी है, ग्रीनरी दिखी रही होगी आपको। बहुत जबरदस्त। और ये सत्यमेव जयते, बहुत ही अच्छा व्यू है, सामने झरना भी, अभी झरने पे भी चलेंगे, बहुत चोर की आवाज़ आ रही झरने में। यहाँ म्यूजियम में चलते हैं अभी अंदर, अब चलते हैं ग्लास हाउस, जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ का, वो पहला है द ग्लास हाउस, तो ग्लास हाउस में चलते हैं। अब हम आ गए हैं ग्लास हाउस, ये रहा आपका सामने द ग्लास हाउस, तो आइए। काटा चुभ गया, काटा लगा, गाना चल गया। जो शरारत करे ना, जिससे आपको मतलब थोड़ी तकलीफ देता हो बंदा, उसे इसके ऊपर बिठा दो, जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता लाइफ में उसे लाओ और बोल बैठ जा, बस सोच भी नहीं सकते क्या हाल होगा उसका। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे कैक्टस भी होते हैं क्या, ये छोटे वाले, छोटे वाले कितने तरह के कैक्टस आए दुनिया में, मैंने तो आज ही देखे थे इन तरह के, इतने कैक्टस हमारे यहाँ तो सिंपल है, झाड़ियों में होते हैं छोटे छोटे बस, कितनी तरह के सब इकट्ठे कर रखे इन्होंने। द ग्लास हाउस नहीं, था कैक्टस हाउस होना चाहिए। अरे ये कैसा, ये कैसे टिल्लू को दे दो गिफ्ट में
टिल्लू टिल्लू तेरे लिए, ये टिल्लू के लिए गिफ्ट में, टिल्लू टिल्लू को दे दो गिफ्ट में। ये बहुत सुंदर लगे मुझे। तो बहुत ही सुंदर बना रखा है द ग्लास हाउस, लेकिन हम इसे बोलेंगे द कैक्टस हाउस, क्योंकि काफ़ी काफ़ी तरह के कैक्टस हैं। ये देखिए, वाओ कितने अच्छे लीफ, कितने अच्छे पत्ते हैं, बड़े बड़े। यहाँ भी कैक्टस हैं अलग अलग तरह के। अब हम चल रहे हैं सूर्य हॉल में, आइए, जहाँ पे हमारे वीर योद्धा, हमारे हिंदुस्तान के जवान जो जो शहीद हुए हैं और उनके बारे में, आइए। ये हमारे देश के जवान जब छिड़ जाते हैं ना, जब गुस्से में होते हैं, जब क्या स्टैचू है जबरदस्त। बैटल ऑफ नाथुला 1967 की लड़ाई, महावीर चक्र दो, पॉइंट 41 पॉइंट 41। नीचे से लड़ाई करनी पड़ती है, वो तो ऊपर से करते हैं, फिर भी तिरंगा लहरा देते हैं। पाकिस्तान सल्यूट है नहीं इंडियन आर्मी को। फोटो खींचने के भी रहते हैं।
क्या व्यू है, क्या नजारे हैं। वीर हो गए वीर, किसी किसी को नसीब होते हैं। धन्य है वो माँ जिन्होंने ने जन्मा। क्या जज्बा होता है इंडियन आर्मी में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, गए देखा, कमाल है यार इंडियन आर्मी। मतलब हम अपने घर हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई यूट्यूब कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडियन आर्मी की बदौलत, क्योंकि आर्मी वहाँ खड़ी है तब आप अपने घरों में सेफ हैं। तो और कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी। बहुत मतलब अंदर गया देखा तो कमाल यार, थोड़ा सा अपसेट भी हुआ देख के, लेकिन चलो ठीक है, कुछ भी नहीं। लेकिन बस आई लव इंडियन आर्मी, और आप सब भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। ऐसे प्यार करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।